हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अभी का सीन कुछ ऐसा है कि यार, मैं काफ़ी टाइम से एक लोकेशन के ऊपर वीडियो बनाने का सोच रहा था, व्लॉग बनाने का सोच रहा था, उस जगह के ड्रोन शॉट्स लेने का सोच रहा था। बट आई थिंक 6-7 मंथ्स हो गए हैं मैं उस लोकेशन के बारे में सिर्फ सोच रहा हूँ, मतलब उस आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ। और ये मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपके दिमाग में आइडिया आता है तो आप उसको काफ़ी वेट कराते हो, काफ़ी डिले कराते हो, तो वो आइडिया आपके दिमाग से निकल के किसी और के पास चला जाता है। वो उस बंदे के पास चला जाता है जो उसको लगता है कि यार ये मेरे को एग्जीक्यूट करेगा। जब वो बंदा एग्जीक्यूट करता है तब आप सोचते हो कि यार जानी ये तो मैं सोच रहा था, इसने कैसे कर लिया। तो वही सीन मेरे साथ होने वाला था। ये मैंने बिग मैजिक, एक आई थिंक उसका नाम बिग मैजिक, हाँ बिग मैजिक है वो, एक बुक है, आप भी पढ़ें, आपको भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी तो हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिली है। तो आज हम उस लोकेशन पर जाएंगे और व्लॉग बनाएंगे। और बट उससे पहले मेन बात, आज जुम्मे है तो जुम्मे की थोड़ी तैयारी वगैरह करेंगे, तो आपसे मिलते हैं थोड़े से वक्फे के बाद। जब तक आपके लिए हमने एक दिलो जान से एक सिनेमैटिक वीडियो बनाई है, आप वो एंजॉय करें। उम्मीद है आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। और अभी मेरे को पास टाइम कम है, वक्त कम है, तो अभी हम निकल रहे हैं जुम्मे की नमाज़ के लिए। मिलते हैं थोड़े से वक्फे के बाद, दोबारा से नमाज के बाद। बहुत ही, बट जुम्मे की नमाज़ हो गई, अभी हम घर जाएंगे, घर जाके थोड़ा खाना वाना खाएंगे, उसके बाद आपसे बात करते हैं। देखो भाई, खाना वाना खा लिया था और अभी हम थोड़ा लेट हो गए थे, निकलते निकलते थोड़ा टाइम लग गया। अभी 6:30 बज रहे हैं और मुझे इस बात का डर है कि थोड़े टाइम बाद अंधेरा हो जाएगा, तो हमारे पास लगभग तकरीबन 1 घंटा है। तो देखते हैं 1 घंटे में हम क्या से क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर जाके लोकेशन पर जाके शूट वगैरह करनी है और उसके अलावा ड्रोन शॉट्स भी लेने हैं आगे पीछे। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। देखो भाई, आज का व्लॉग बनाने का मेन जो मकसद है कि हम जब लाहौर विज़िट करते हैं तो हम बादशाही मस्जिद या फिर वज़ीर खान मस्जिद ज़रूर जाते हैं। इसी तरह से हम अगर इस्लामाबाद जाते हैं तो फैसल मस्जिद भी विज़िट करते हैं। तो जब वहाँ से जो टूरिज़म आती है कराची की तरफ, तो वो हमारी फेमस मस्जिद की तरफ विज़िट नहीं करती है, उनको मौका नहीं मिलता है। और जो लोग कराची में हैं उनको भी मौका नहीं मिलता है विज़िट करने के लिए। तो आज का जो मेरा मेन ब्लॉग है गोल मस्जिद का या मस्जिद तूबा का, वो मेरा उन व्यूअर्स के नाम पर है। का बिलावत था ही कि हमारे पहुँचते ही मगरिब का वक्त हो गया, तो आज की नमाज़ हमारे नसीब में इस मस्जिद में ही लिखी हुई थी। देखो भाई, हमने नमाज़ वगैरह पढ़ ली है मगरिब की, और अभी हमारे पीछे तूबा मस्जिद है जिसे गोल मस्जिद भी कहते हैं। इसकी ख़ास जो बात है ये कि पूरी की पूरी गोल मस्जिद है, इसके अंदर कोई भी पिलर मौजूद नहीं है।
इसकी तामीरात 1969 में कंप्लीट हुई थी और इसके अंदर टोटल 5000 नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं। इस खूबसूरत मस्जिद को बनाने वाले जो शख्स थे उनका नाम है बाबर हामिद चौहान। और अगर अब डायमीटर की बात की जाए, इसका डायमीटर या आउटर डायमीटर कह लें, वो है 65 मीटर के तकरीबन लगभग। देखो भाई, लॉकडाउन की वजह से तो अंदर के जो दरवाजे हैं मस्जिद के, जो मेन अंदर के दरवाजे हैं, वो बंद है इस वक्त। लेकिन फिर भी हम थोड़ा कोशिश करेंगे अंदर जाने की, क्योंकि ज़्यादा खूबसूरती अंदर से है। जो रूफ़ में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है उसके बदौलत, मतलब अंदर जो माइक सिस्टम भी नहीं लगाए, साउंड सिस्टम भी नहीं लगाए, उसके बावजूद आवाज़ पूरी एको हो के वापस आती है। तो हल्की फुल्की भी बंदा बात करे तो पूरी एको हो के वापस आती है। तो ये ख़ास बात है, और अंदर से आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अंदर से पूरी की पूरी एक गोल मस्जिद है विदाउट पिलर, जो कि उस वक्त के दौर पे बनाना एक हैरत अंगेज बात है। देखो भाई, छत के गोल होने की वजह से पंखे छत पे नहीं लगाए जा सकते थे, तो इसलिए हर शफ में पंखे लगाए हुए हैं। देखो भाई, मस्जिद के साइड पे पार्क वगैरह भी है, तो नमाजी जब नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे बैठ के अपनी इस्लामी बातें भी करते हैं। यूजुअली रमज़ानों में जब इफ्तारी के बाद हो गया, या सहरी के बाद, या तरावी के बाद, लोग यहाँ पे बैठ के अपनी इस्लामी बातें कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि अंदर लोग नमाज़ पढ़ने के लिए रश होती है, तो इसलिए अंदर नहीं बैठ सकते हैं। वरना जैसे अभी कुरान की तिलावत अंदर बैठ के की जा रही है, तो वैसे रश होती है, तो यहाँ पे भी लोग आके बैठ के खुली फिजा में कुरान की तिलावत भी करते हैं। हमारी इस दुनिया में अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ खूबसूरत है, और उन्हीं खूबसूरत चीज़ों में से हम इंसान हैं, जिनको अल्लाह ने ऐसी दिमागी कुव्वत से अता किया जो ऐसी खूबसूरत चीज़ें बनाने के काबिल रहा।